हाय एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आईब्रो थ्रेडिंग कैसे करनी है। इससे पहले इनकी स्किन आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ऐसी स्किन पे आपको ब्लीच करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर में वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो जाके देख लीजिएगा ड्राई स्किन के लिए ब्लीच करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आईब्रो स्टार्ट करने से पहले पहले मैंने यहाँ पर इनका एक्स्ट्रा हेयर को कट कर दिया है, उसके बाद अपना आईब्रो स्टार्ट करूँगी। तो सेंटर से जो नोज के ऊपर में जो हमारे एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उनको रिमूव कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग को यहीं से अपनी आईब्रो की स्टार्टिंग करनी चाहिए थ्रेडिंग करते टाइम। तो इस तरीके से धीरे धीरे स्ट्रेट हेयर के साथ इनका जो एक्स्ट्रा हेयर है ऊपर का, बस उतना ही निकालेंगे। ऊपर का थ्रेडिंग करते टाइम कभी भी आपको एक्स्ट्रा हेयर के अलावा कुछ भी नहीं निकालना है, बस एक्स्ट्रा हेयर निकालिए, एक शेप बना दीजिए बस, और एक्स्ट्रा हेयर नहीं निकालने हैं बिल्कुल। आपको जो भी शेप देना है वो नीचे से देंगे, ऊपर से हमको बिल्कुल भी कोई मतलब जो हमारा एक्स्ट्रा हेयर है उतना ही निकालना है, शेप नहीं देना है ऊपर से, नीचे से आपको शेप देना है। बिल्कुल लाइट लाइट जो हेयर दिखते हैं उनको रिमूव कीजिए ऊपर से आपको, नहीं तो आपकी आईब्रो जो है वो नीचे झुक जाएगी अगर आप ज़्यादा बाल ऊपर से निकाल दोगे तो। तो फोरहेड भी साथ के साथ मैं साफ़ तो कर ले साथ रही के साथ हम थी। लोग नीचे का भी क्लीन करेंगे इसमें। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट थ्रेडिंग के धागे तो को मैं लेना ऐसे ही है, करती हूँ, और इस क्लाइंट से तरीके पहले से पूछ कैंची लेती जो हूँ है कि हमारी आ है उसमें अपने फोरहेड हेयर को करनी है कि नहीं, तो फिर मैं ऊपर का लगाना जब है एंड शेप रिमूव बनाती करना हूँ है आईब्रो बिल्कुल का, आराम आराम से उसके जल्दबाजी साथ नहीं के के साथ साथ अपना अपना फोरहेड फोरहेड भी भी क्लीन क्लीन कर करने लेती के हूँ। लिए दो, उसके बाद फिर से जो भी एक्स्ट्रा हेयर है उनको नीचे में इस तरीके से रिमूव बाल को करना कॉल है। आ रहा था मेरा, तो इसलिए मैं कॉल देख रही थी एंड कट कर रही थी। तो चलिए तो इस थ्रेडिंग तरीके करते से हैं नीचे बिल्कुल का, आराम आराम दूसरी से साइड इसमें में भी आईब्रो आपको को शेप प्रॉपर दे रही अच्छे से थी। देखने को मिल जाएगा। तो एक साइड का थ्रेडिंग जो है हमारा वो बन चुका है, दूसरी साइड आते हैं और आपको प्रॉपर यहाँ पे देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा दूसरी साइड में। तो चलिए दूसरी साइड हम लोग बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने कैमरे को अच्छे से कर दिया, भाई आपको पूरा दिख रहा है, दिखेगा यहाँ से अच्छे से जैसे जैसे रिमूव करना है, एंड थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कैमरे को थोड़ा सा जूम कर दिया है और आपको अभी प्रॉपर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि कैसे बनाना है आपको आईब्रो। तो जैसे हमने उस साइड से शेप दिया था ऊपर की तरफ से, वैसे ही सेम टू सेम इधर का भी करेंगे। इस तरीके से कैंची में हेयर को लेंगे और धीरे से अंगूठे को दबाते हुए सारे हेयर को रिमूव करेंगे। धागा चलाने की प्रॉपर वीडियो अपलोड है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। इस तरीके से फिर साथ के साथ हम लोग फोरहेड भी क्लीन कर लेंगे जब शेप हमारी बन जाए अच्छे से। तो साथ के साथ फोरहेड क्लीन कर लेंगे। अब कस्टमर को बोलेंगे कि वो अपनी आईब्रोज को अच्छे से खींचे नीचे और ऊपर ऊपर से अच्छे से पकड़ के। उससे पहले मैं फोरहेड को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। अब इस तरीके से पकड़ेंगे और फ्रंट से इस तरीके से धागे को लेके आएंगे और एक्स्ट्रा हेयर को रिमूव करते जाएंगे साथ के साथ। तो इस तरीके से बिल्कुल आराम आराम से परफेक्ट शेप बनाएंगे। देखिए एक एक बाल को अच्छे से पकड़ के अच्छी सी शेप देनी है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। और अगर आप सीख रहे हो अभी तो आपको तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल आराम आराम से जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से धागे को लेके जाएंगे एंड कैंची जो बनी हुई है उसके अंदर धागे को फंसाएंगे, एक्स्ट्रा जो दिख रहा है आपका शेप के बाहर, और उनको इस तरीके से देखिए ऐसे लेके जाएंगे, इसमें धागे को फंसाया और रिमूव कर दिया। ओके तो इसी तरीके से आपको थ्रेडिंग बनानी है अपनी पूरी, मतलब थ्रेडिंग करना है आईब्रो की। ओके तो जितनी परफेक्ट शेप दे सकते हो उतनी परफेक्ट देनी है आपको। साथ के साथ अगर आपको लगे कि लूज पड़ रहा है तो आप कस्टमर का हाथ अपने हिसाब से पकड़वा दीजिएगा जहाँ पे उनको स्किन को खींचना है वहाँ पे।
हाँ, इस तरीके से मैंने अच्छे से ये धागे को, हेयर को निकाल लिया है। और इनका जो शेप आया था वो कुछ इस तरीके का था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक्स्ट्रा हेयर को कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हेयर को मैंने कट कर लिया है। और इनका जो भी इनको अभी अपर लिप्स करना है अभी, तो अपर लिप्स कैसे करना है वही बता रही हूँ मैं यहाँ पे। तो अपर लिप्स के लिए आपको इस तरीके से जीप से, थंब से इनको बोलना है, स्किन को टाइट करें और सारे हेयर को आराम आराम से निकालेंगे। तो फ्रेंड चलिए अभी हम लोग अपर लिप्स करेंगे। अपर लिप्स के लिए यहाँ पे इस तरीके से थंब को बोलना है, उसे स्किन को अच्छे से टाइट करें। उसके बाद से आपको धागे को इस तरीके से रखना है और धीरे धीरे अपर लिप्स के हेयर को रिमूव करेंगे। ओके, तो आराम आराम से करना है, पूरे अपर लिप्स के हेयर को रिमूव करेंगे। और थ्रेडिंग आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई हो कि कैसे बनाना चाहिए। और इससे पहले की वीडियो में पूरी क्लियर टू क्लियर दिखाई हुई है, तो वो भी वीडियो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेयर, एंड इस तरीके से आपको फंसाना है कैंची में और इस तरीके से धीरे धीरे करके रिमूव करेंगे। ओके, स्किन को टाइट रखवाना है, नहीं तो कट लग सकता है। और धागे को बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है, बिल्कुल भी स्किन पे रगड़ना नहीं है, दबाव नहीं डालना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। बस धागा, जो धागे की कैंची बनाई है हमने, उसके अंदर हेयर को आते ही बिल्कुल हल्के हाथों से खींचना है, रगड़ना नहीं है, दबाना नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, थ्रेडिंग बनाते टाइम या फिर फेसियल हेयर रिमूव करते टाइम, अपर लिप्स करते टाइम, फोरहेड करते टाइम, धागे को जोर से स्किन पे रब करके दबा के हेयर को बिल्कुल भी नहीं निकालना। इससे क्या होता है कि एक तो कट लगने की चांसेस बढ़ जाते हैं, और दूसरा आपको कस्टमर जो है उनको बहुत पेन फील होगा। इससे हमारे कस्टमर ख़राब होते हैं, एंड बहुत कम लोग आते हैं ऐसी जगहों पर। इसलिए धागा से ज़्यादा ध्यान रखिए कि हाथ को बिल्कुल हल्के हाथों से बिल्कुल धागे को रिमूव करना है, और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से चलाना है। जितना हाथ को हल्का रखोगे उतना ही कस्टमर को पेन कम फील होगा, और शेप देने में आपको इजी होगा, और हेयर आपके कैंची में फंसने में भी बहुत इजी होगा। अगर आप रगड़ के ले जाते हो तो हेयर तो आ जाते हैं, लेकिन आपको कस्टमर को बहुत पेन फील होता है, और फिर वो दोबारा आना नहीं चाहेगा आपके पास। इसलिए आपको जितना हो पाए उनको, कस्टमर को कंफर्टेबल फील कराइए और पेन कम हो, इसके लिए आपको धागे को बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है। ये था इनका फाइनल लुक। आई होप कि आपको थ्रेडिंग पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, और भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।